MP40 vs M1887 comparison. So let's start the video. This is Abhishek and you're watching Schoolboy Gamers. तो हेलो दोस्तों यार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को यार हमारे इस वीडियो पे। एक बहुत ही अच्छा वीडियो जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं MP40 और नया वाला जो शॉर्ट का नया है जिसका नाम है M1887, जो कि अधिकतर लोग भाई उसको हम लोग मतलब ज़्यादातर दो नाली वाले शॉर्ट गन अधिकतर बोलते हैं। तो अभी हम लोग इसमें बात करेंगे भाई। दोनों गन ही बहुत ही अच्छा है, अपनी अपने में बहुत ही घातक गन है। तो हम लोग अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा गन लेके खेलना चाहिए। तो आप लोगों के लिए भाई एक अच्छा सा सजेशन लेके मैं बहुत ही एक अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग भी शायद वही करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, कुछ कंपैरिजन सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग MP40 और M1887 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेंज पे आते हैं। तो रेंज पे हम लोग देखते हैं MP40 और M1887। तो भाई रेंज में MP40 20 मीटर दूर में भी डैमेज अच्छा खासा ही देता है। और यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे अपने नए वाले शॉटगन को, जो कि उनका नाम M1887 है, तो उनका रेंज ऐसे कुछ 15 मीटर के अंदर में आता है। तो यहाँ पे भाई मैं अभी बताना चाहूँगा 20 मीटर में, तो अभी जा देता हूँ मैं एक पॉइंट देता हूँ अभी रेंज के ऊपर MP40 को। तो MP40 में अभी हो गया वन पॉइंट। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट हम लोग का है डैमेज। तो यहाँ पे डैमेज में देखेंगे भाई, तो डैमेज में यहाँ पे MP40 से ज़्यादा डैमेज भाई यहाँ पे देता है M18, जो कि बहुत ही ख़तरनाक डैमेज देता है भाई। दो गोली में यार यहाँ पे ख़त्म करने का यार पावर है, एक गोली में भी ख़त्म हो सकता है अगर हेड लगे तो। तो यहाँ पे घातक ही M18 देता है भाई डैमेज। तो मैं यहाँ पे देता हूँ भाई M18 को। तो यहाँ पे अभी एक एक हो चुके हैं दोनों के ही डैमेज और रेंज में। तो अभी हम लोग बात करते हैं मैगजीन पे। तो भाई मैगजीन में यहाँ पे होता है ना, मैगजीन में अभी आप देख सकते हो MP40 और इसका दोनों का एकदम भी कंपैरिजन बोलने से तो इसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत दूर है मैगजीन के लिए MP40 और M18। तो यहाँ पे M18 का सिर्फ दो ही देता है, दो ही मतलब शॉट कर सकते हैं हम लोग, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैगजीन को मैं पॉइंट मतलब MP40 को पॉइंट देते हुए मैगजीन के लिए। तो यहाँ पे अभी हो चुके हैं दो और वन वहाँ पे है ना, तो दो और वन। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रश। तो भाई रश के लिए भाई अगर रश करना है तो रश के लिए भाई सबसे बेस्ट होगा भाई अपना M18, जो कि नया वाला शॉट गन है। बहुत ही घातक यहाँ पे रश हो जाएगा भाई। एक साथ अगर आप चाहे तो भाई एक स्क्वाड को आराम से ख़त्म कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे प्रो प्लेयर है। तो अगर हमारे जैसे नूब रहे तो फिर नॉट श्योर, लेकिन आप जरूर एक बंदे को तो ज़रूर बांट के आओगे भाई। तो यहाँ पे अभी बता रहा हूँ मतलब यहाँ पे मैं पॉइंट दूंगा रश के लिए भाई M18 को। तो यहाँ पे अभी दो सभी के अच्छे ही पॉइंट जा रहे थे। तो यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे ड्रैग की। तो भाई ड्रैग में मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ड्रैग आप लोग सोच रहे हो भाई इससे मतलब जो नया वाला शॉट गन है उससे कुछ ज़्यादा हेड लगता है, तो हेड लगने का कारण ये नहीं है कि आप उससे ड्रैग ही मारो, ड्रैग का एकदम भी कारण नहीं है। तो जब भी आप एम लेते हो हेड के ऊपर तो वो जाके उससे मतलब आपको लगता है वो ड्रैग है, बट वो ड्रैग नहीं है। तो आप सबसे अच्छा ड्रैग होता है यहाँ पे MP40 से। MP40 से आपको सिंपली समझ में आएगा कि कौन सा ड्रैग है कौन सा नहीं। तो ओला जो आप M18 से करते हो उससे जल्दी ड्रैग नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं ड्रैग में पॉइंट देना चाहूँगा MP40 को। तो यहाँ पे MP40 जीत चुका है, या मतलब जीता नहीं अभी सबके मतलब पॉइंट बराबर ही जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट हम लोग ज्वाइंट करके फिर देखते हैं कौन जीता है कौन आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इक्विपमेंट का बात करेंगे। तो यहाँ पे भाई सबसे अच्छा बेस्ट बात है कि हम लोग का M18 में कुछ भी भाई यहाँ पे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, फोर ग्रिप या फिर मैगजीन कुछ भी लगाने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो MP40 में, तो MP40 में हम लोग को 6 Level 3 का फोर ग्रिप, Level 3 का मैगजीन और स्टॉक Level 3 का। तो अगर ये रहा तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग का गेम प्ले होगा। अगर ओपोनेंट का अगर Level 3 का वेस्ट या फिर हेलमेट पहन के आता है तो भाई अगर ये चीज़ लगा रहा है MP40 पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहीं पे भाई बात करेंगे आप लोगों, सिंपली मैं एक सिंपल सा बात बोलना चाहता हूँ। एक नया शॉर्ट गन आया है जो सिंपल है, उसमें कुछ भी स्किन कुछ भी नहीं रहे, मतलब कुछ लग ही नहीं रहा। हम लोगों को लगा था एक छोटा सा शॉर्ट गन यार जैसे हम लोग एक सिंपल वाला लेते हैं दो वाला वैसे ही टाइप करेगा, उसको ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिए। अभी मैं अधिकतर दे रहा हूँ भाई, अधिकतर ट्रेनिंग से लेकर कोई भी मैच में मैं वही शॉर्ट गन का इस्तेमाल करते हुए सभी को देख रहा हूँ। तो भाई ज़रूर इसमें कुछ ऐसी बात है जो कि लेके सब खेलना चाहते हैं। मेरा भी कभी कभी मन होता है, समझो मैं MP40 लेके खेलता हूँ, मैं MP40 प्लेयर हूँ, तो MP40 मैं लेके खेल रहा हूँ, अभी अचानक से देख रहा हूँ भाई नया वाला शॉर्ट गन लेके आके मेरे को हेवी जोर से मार के चले गया। तो मतलब तब मेरे को थोड़ा सा जूस जागता है कि चलो यार ये वाला MP40 लेके खेल, मतलब ये वाला शॉर्ट गन लेके खेलते बहुत मतलब सही है, अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो शॉर्ट गन लेके जाते हैं हम लोग, ज़्यादा मतलब जो चीज़ के साथ हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे भाई, तो मैं बोलूँगा आप लोग वही चीज़ से खेलो। अगर आप अभी देख रहे हो कि यार ये मतलब शॉर्ट गन से बहुत अच्छा मार रहा है तो उसको देख के यार आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको मन है तो आप ट्रेनिंग मैच खेलो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करके फिर आप वाला गन लेके खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर आप MP40 में एक्सपर्ट हो तो ज़रूर MP40 से खेलो। अगर आप चाहते हो नहीं भाई मैं इसे शॉटगन से खेलना चाहता हूँ तो भाई ज़रूर क्यों नहीं खेल सकते यार, आप आराम से खेल सकते हो और इससे भी आप आगे जाके आगे अच्छा से एकदम अच्छे से मतलब अच्छे से आप फेमस हो सकते हो यार। सब ऐसे आराम से खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। तो अभी मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो कि मैं करता हूँ भाई, मेरे को बहुत खुजली होता है। अगर समझो कि मैं अगर अभी देखता हूँ किसी को MP40 से ज़बरदस्त खेला है तो मैं MP40 लेके खेलता हूँ, अगर मेरे को कोई इससे मारा शॉटगन से मारा तो मैं शॉटगन लेके खेलता हूँ, कभी कभी तो मैं AWM भी लेके मैं खेलता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों से बस यही बोलूँगा जो पहले उतरते हो ना भाई, अगर समझो आप अभी रैंक मैच खेलने के लिए उतर रहे हो तो आपको जो पहले गन मिलता है समझो कि अगर नया ये वाला नया M18 वाला शॉट गन मिलता है तो आप उसको लेके पूरा मैच खेलो। अगर MP40 पहले मिलता है तो MP40 लेके पूरा मैच पहले खेलो। तो ये भाई बहुत बेस्ट तरीका भाई, इससे अच्छा तरीका आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट अगर काउंट करेंगे तो भाई रेंज में एक पॉइंट आता है MP40 को 1 पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट आता है M18 को 1 पॉइंट डैमेज के लेके, और यहाँ पे मैगजीन लेके आता है दूसरा पॉइंट MP40, और यहाँ पे रश पे आता है दूसरा पॉइंट M18 का, उसके बाद यहाँ पे ड्रैग पे आता है MP40 3, उसके बाद यहाँ पे इक्विपमेंट में आता है M18। तो यहाँ पे तीन ऐसे हो गया, और यहाँ पे फिलहाल अभी मैंने कुछ बताया था कि नहीं बताया था यहाँ पे, मैं अभी लिखा नहीं हूँ, कोई बात नहीं। तो अभी चलो भाई आप सभी को यही बताना है कि भाई नया वाला शॉटगन, एक नया शॉटगन आके यहाँ पे वाट लगा दिया सबका। तो ऐसे ही यार हम लोग का पुराना MP40 कहाँ गया भाई, पुराना MP40 को भी दिखाना होगा। तो चलो आप लोग जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई पटाख से वीडियो को लाइक करो यहाँ पे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, ऐसे ही टाइप का वीडियो आता रहेगा। अच्छा एडिटिंग में मैं ट्राई करूँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्राई करूँगा भाई। मेरा लक इतना ख़राब है, मेरे को 3 बार कॉल आ चुका है वीडियो पे, मैं जब वॉइस रिकॉर्ड कर रहा था बीच में आप लोग भी साउंड सुन सकते हो, बाहर का आंटी लोग आके यहाँ पे बकती है। तो अभी ये कोरोना वायरस में मेरे को शांति नहीं है। तो चलो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच भाई वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ पे पूरा वीडियो एंजॉय करने के लिए बहुत बोले। जो भी पूरा वीडियो एंजॉय क्यों ना भाई, एक बार कमेंट में बस लिखना 3, क्योंकि मैं बस सुनना चाहता हूँ वीडियो कौन पूरा देख रहा है। तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच भाई, बस 3 आपको कमेंट करना है भाई, लव यू।